गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज ममता और निशा भी पालमपुर से आ जाएंगे और मैं कल आर्ट वाली वीडियो बनाना शूट करना ट्राई कर रही थी, बट जो लीव्स थे वो प्रॉपर रेडी नहीं हुए थे, तो अभी मैं चेक करूँगी वो अगर रेडी हो जाते हैं तो मैं आज ही शूट कर लूँगी। अगर वो आज नहीं होंगे तो फिर परसों या फिर कल वापस से देखेंगे कब करूँगी मैं शूट। सो पहले मैं देखती हूँ वो सेट हुए कि नहीं। मुझे डर लग रहा है कहीं खिचड़ी ना बन गई हो। दिन और पानी में रखने पड़ेंगे। कुछ कुछ हो गए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए हैं। ये देखो पूरे कैसे हो गए। इसके अंदर से अजीब सी थोड़ी बदबू आ रही है, पता नहीं क्यों आएगी ना। अंदर वॉशिंग पाउडर डाल के जो गर्म किया था, सो उससे मतलब कल भी पूरी रात गर्म पानी में ही रखा था, बट अभी तक नहीं बने। कोई बात नहीं, सोच लो फटाफट से ये कपड़े खड़ी करने के बाकी पड़े, मैं वो कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। मैं अभी कब से वीडियो एडिट कर रही थी, मतलब सुबह से, मतलब थोड़ा नाश्ता किया और झाड़ू निकाला और बाद में मैं बस बैठ गई वीडियो एडिटिंग करने के लिए। और बाद में ममता को फ़ोन किया कि वो आज कितने बजे आ रही है, तो उसने बोला दो तीन घंटे बाद वो पालमपुर से निकल जाएंगे, तो शाम तक या दोपहर में आ ही जाएंगे धानेरा। सो चलो बजा कुचा काम भी है और वीडियो एडिटिंग, वीडियो अभी आधा ही एडिट हुआ है, तो आज ट्राई करूँगी कि शाम तक मैं वीडियो अपलोड कर ही दूँ, ज़्यादा देर ना लगाऊँ। चलो, और DIY एक हेयर मास्क भी मुझे आज बनाना है, चलो करते हैं। सो गाइज, फाइनली ममता और निशा और इसकी दो फ्रेंड्स शिविर में से आ गई है। कैसा रहा वहाँ पे 5 दिन? बोलो। ये इतना सारा लगेज इन लोगों का है जो 5 दिन, वो 5 दिन के लिए ले गए थे। तो अभी तो टिफिन अभी ये लेके जाएगी क्यूटी पाई, और ये अपने बाल सवार रही है आई तब से। तो आपके दुपट्टे कहाँ है? हमें तो सीखी दुगा पर हम दुपट्टे ही लाए नहीं, तो उन्होंने अपने दे दिए कि ये लो हमारे ले लो। आना, कैसा लग रहा है घर पे आके? दुनिया भर का सुकून मिला है आज तुझे याद करके। तो अभी ये दोनों आ गए, तो मेरा मतलब आधा काम मतलब कम हो गया है, मतलब तो अभी ममता और निशा आ गई है वहाँ से, तो मेरा आधा काम हो गया है। मतलब अब ममता जा रही है टिफ़िन लेने के लिए, निशा भी मेरी हेल्प कराएगी। सो मैं सुबह सुबह जो DIY बनाने वाली थी, तो मैं अब बनाऊँगी पूरा दोपहर का काम वाम ख़त्म करके। खाना खाने की इच्छा तो हो नहीं रही है, तो अभी ममता भी जा रही है टिफ़िन लेने के लिए। तो अभी 2 बज गए हैं, तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, बहुत ही भूख लग रही है। लाइट भी चली गई है और आज मैं दाल और चावल खा रही हूँ। सो फाइनली मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है, तो अब मतलब 5 बज गए, मैं दोपहर से बैठी हुई थी वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो अब मैं जाके फटाफट चाय पी लेती हूँ। और बाद निशु TV देख रही है और दादा अगेन पूजा पाठ, सो मैं अभी चाय पी लेती हूँ। तो अभी के बज रहे 6 और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, मतलब अपलोडिंग पे लगा दिया है। सो जल्दी ही 8 बजे तक वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो अब मैं जाके बनाती हूँ मेरा DIY हेयर मास्क। सो उसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जो पड़ोस में उगा है, सो मैं जाके लेके आती हूँ। गीता फई रहती है हमारे पड़ोस में ही, तो उनके घर पर उगा हुआ है बहुत सारा। सो इधर मतलब बहुत कुछ गया, ये रहा ये चाहिए, ये बारमासी, और यहाँ पे अगेन सारे कुर्ती आवे तो पसे। सो अभी मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ी देर पड़े रहने देती हूँ, तो मैं अभी इनको अच्छे से पीसेस में कट कर लेती हूँ इन सभी को।
इसके साइड में से मैंने सारे कांटे भी अच्छे से रिमूव कर दिए हैं और अब इसके अंदर जो ये जेल दिख रहा है वो मैं निकाल लेती हूँ और सारा जेल निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं शाम को बैठी थी इसका पल्प निकालने के लिए और मैंने निकाल भी दिया और अभी रात हो गई है, ये इसका सारा निकल दे। सो ये राइस वाटर है जो मैंने रात को, मैं सो रही थी तब मैंने इस राइस को भिगो के रख दिया था, तो अभी इसका जो पानी है वो मैं यूज़ करूँगी और ये जेल और तीसरा इंग्रेडिएंट है जो इसमें डलेगा वो है विटामिन ई की कैप्सूल। तो अभी इस जेल को डालते हैं इसमें। चावल का पानी, मैं इसको इस वाली बोतल में स्टोर कर देती हूँ। अब ये सारा मैं फटाफट से धो देती हूँ और बाद में इस लिक्विड को मैं अपने हेड पे अप्लाई करूँगी और दिखाऊँगी कि ये कैसा वर्क करता है। और आज हम खाने में खाएंगे मैगी। और हाँ, मैंने अभी बस खाना वाना खा लिया है और मैंने जो भी मैस नीचे क्रिएट किया हुआ था कर साफ़ कर दिया है। सो अब चलो मैं इसको यूज़ करूँगी और आपको भी कल दिखाऊँगी कि मेरे बालों में कैसा रिजल्ट आया है। अब मैं इसको अपने बालों में अप्लाई करूँगी और आप जब भी हेयर वॉश करने जाओ दो तीन दिन के बाद या वीक में एक बार दो बार आप जब भी हेयर वॉश करो तब आप इसको यूज़ करो तो आपको अच्छे से अच्छा हेयर ग्रोथ मिलता है। सो चलो पहले मैं भी अपने बालों में लगा देती हूँ और हाँ अच्छे से शेक कर लो और बाद में अपने बालों में लगाने का होता है। और हाँ, इसमें आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल हो तो आप 2-3 जितना ऐड करना है इतना कर सकते हो। सो चलो पहले मैं अपने बालों में अच्छे से लगा देती हूँ। रूट्स में पूरी बालों के लेंथ में होंगी। सो अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपको जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।